ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਕਾਰਾਗੋਰੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸੀਜ ਕਰੇ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਟੇਡੀ ਆਤ ਤੋ ਕਰ ਤੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਿਅੰਕਰ ਸਾਊਂਡ ਹੈ हमने रिकॉर्ड किया है प्ले करते हैं और सुनिए जरा बहुत बढ़िया रिकॉर्डिंग मस्त लाजवाब Gift karo apne aap mera glassware the all new gifting test storage jars the range great designs the best quality as always as festive season tuhade sare nazdeeki crockery stores te upalabdh hai na tyoharan da rang likha hua hai high performance av system hai ye bahut hi lajawab aur clear note hai जैसा मर्जी साउंड सेट और जेंटलमैन यहाँ पे देखिए कितने स्पीकर इसमें लगते हैं दो फ्रंट के और जेंटलमैन ये वाला जो है आई थिंक सराउंड के हैं ये सेंटर है और ये सुपर बूफर प्री आउट लगता है माय गॉड जेंटलमैन यहाँ पे देखिए अंडर लाइसेंस ऑफ स्टार एस ए ब्रुक्सेल्स बेल्जियम ओह माय गॉड भाई साहब बेल्जियम का कुछ इसमें दिया हुआ है मुझे नहीं पता राम राम जी सलाम सत श्री अकाल जी हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन सो जेंटलमैन क्या हाल हैं आपके सो जेंटलमैन मैं कुलवीर सिंह पंचकुला हरियाणा से जेंटलमैन मेरे यूट्यूब चैनल एंटीक शॉप इंडिया में आप सभी का अभिनंदन करता हूं जी जेंटलमैन आज दिवाली है इस दिवाली के पावन अवसर पर मेरे सभी हिंदुस्तान वासियों को देशों विदेशों में बसते मेरे सभी हिंदुस्तान भारतीय वासियों को और सभी मेरे YouTube चैनल और YouTube फैमिली को जो मुझे पसंद करते हैं मेरी वीडियोस को पसंद करते हैं सभी को दिवाली की शुभकामनाएं हैं और जेंटलमैन इसी के साथ आज की वीडियो शुरू करते हैं जेंटलमैन आज का मेहमान कैनवुड का विंटेज रैक सिस्टम है बहुत ही शानदार बहुत ही सुंदर और बहुत ही ज़्यादा क्लियर नोट्स साउंड क्वालिटी वाला अ प्योर विंटेज रैक सिस्टम जेंटलमैन काफ़ी बड़ा सेट है और 1990 के दशक का ये कैनवुड का रैक सिस्टम है मैंने ऐसा सेट जब हम मूवीज़ देखते थे तो कई बार जैसे हीरो हीरोइन एक्टर एक्टिंग कर रहे होते थे कोई रोल प्ले हो रहा होता था तो उनकी ट्रॉली पे जिस रूम में शूटिंग चल रही होती थी तो ऐसे म्यूज़िक सिस्टम पड़े मैंने देखे हैं और जेंटलमैन एक मूवी सलमान खान की है जिसमें शक्ति कपूर साहब को वो बस अड्डा बेच देते हैं जूस की दुकान बोल के शायद आपको याद आ गया हो आप मूवी का नाम कमेंट कर सकते हैं तो उसमें भी ऐसा कैनवुड का रैक सिस्टम सेम टू सेम मैंने देखा है उस मूवी में और जेंटलमैन ये ब्लैक एडिशन में पूरा सेट आता है इसमें इतनी सारी खूबियाँ हैं इसमें आप इतने स्पीकर लगा सकते हैं ये पूरा DSP सिस्टम है इसमें स्टीरियो साउंड प्लस आप पूरा 5.1 साउंड का मज़ा ले सकते हैं जेंटलमैन 1990 का ये जैपनीज़ मेड इन जापान फुल्ली वर्किंग सेट है फुल्ली A to Z सारे का सारा वर्किंग है ये वाला सेट और जेंटलमैन मैं आपको पास में ले चलता हूँ जेंटलमैन शुरुआत करेंगे इसके मॉडल नंबर से तो ये है जी कैनवुड स्टीरियो इंटीग्रेटेड एम्पलीफायर RX54 यहाँ पे इसका जो है मॉडल नंबर है जेंटलमैन अगर 40 साल पहले हमारे बुज़ुर्गों में इतनी ताकत थी क्योंकि अच्छी खुराकें खाते थे
तो उस टाइम पे कंपनियां भी अच्छी खुराकों वाली चीज़ें बनाती थी। और देखो यहाँ पे लिखा हुआ है हाई परफॉर्मेंस एवी सिस्टम है, ये ऑडियो वीडियो सिस्टम, सराउंड सिस्टम है, विजुअल इनपुट आउटपुट, और नीचे है जी फुल रिमोट कंट्रोल ये सेट है। मैं सबसे नीचे से शुरुआत करूँगा ताकि मैं आपको क्लियरली अच्छे से वीडियो में इसका पूरा डाटा प्रोवाइड करवा सकूं, किस तरह का ये रैक सिस्टम है और इसमें क्या क्या आता है। जेंटलमैन यहाँ से शुरुआत करते हैं। तो सबसे जो नीचे वाला पोर्शन है ये कैसेट डेक पोर्शन है। यहाँ पे आपको डबल कैसेट डेक मिलता है, अभी कैसेट ही चल रही है, यहाँ पे आपको कैसेट डेक पोर्शन मिलता है। तो ये मैं कैसेट निकाल लेता हूँ। देखिए कैसेट ए स्टीरियो डबल ऑटो रिवर्स कैसेट डेक है जी, ऑटो रिवर्स ऑटो टेप सिलेक्टर अपने आप सिलेक्टिंग करता है, CCRS इसमें जो टेक्नोलॉजी है यहाँ पे बताई गई है, पूरा इसका मीनिंग भी बताया गया है, कंप्यूटर कंट्रोल्ड CD रिकॉर्डिंग सिस्टम, CD एडिटिंग सिस्टम बाय माइक्रो प्रोसेसर। तो जेंटलमैन ये बहुत ही बड़ी बात कैसेट डेक में लिखी हुई है। और यहाँ से जब इजेक्ट करते हैं तो बड़ा ही सॉफ्टली ये बाहर आता है। अंदर की तरफ मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो ये हेड जो है ये घूमता है यानी ऑटो रिवर्स में, और इसकी कंडीशन बहुत ही ज़बरदस्त है, बिल्कुल मिंट कंडीशन में है, प्रॉपर लाइट नहीं पड़ रही। तो अभी देखिए ज़रा, तो जेंटलमैन यहाँ पे पिंच रोलर और ये कैसेट को ऑटो रिवर्स में बहुत ही अच्छे से प्ले करता है, और बड़ी अच्छी जगह पे ये जो है रैक सिस्टम रखा हुआ था, तभी इसीलिए इतना नीट एंड क्लीन है। तो जेंटलमैन यहाँ पे एक और चीज़ जानने वाली है, DPSS का भी कैसेट ए में जो है DPSS का आपको फंक्शन मिलता है। और जेंटलमैन इसमें आप गाना अगर एक रिवर्स करना चाहते हैं तो एक होएगा, अगर आप गाना चार नंबर रिवर्स करना चाहते हैं तो चार नंबर होएगा, इस तरह के फंक्शन। और दूसरा ये है जी कैसेट बी, तो यहाँ पे आपको सबसे नीचे देखिए तो टाइमर मिलता है, रिकॉर्डिंग ऑफ प्ले, डॉल्बी NR डायरेक्शन मिलती है, ऑटो टेप सिलेक्टर मिलता है, डॉल्बी BCNR यानी नॉइस रिडक्शन मिलता है, और ऑटो रिवर्स टेप सिलेक्टर मिलता है। ये वाला सेक्शन जो है ये रिकॉर्डिंग का सेक्शन है, ठीक है जी, और ये वाला सेक्शन जो है ये कैसेट प्ले का सेक्शन है। सेंटर में आपको इसमें यहाँ से ये बटन मिलते हैं इजेक्ट के लिए, तो यहाँ पे स्प्रिंग काफ़ी टेंशन में है ये देखिए, तो बिल्कुल इससे कंडीशन का पता चलता है सेट का। डिस्प्ले काउंटर रीसेट, आप जैसे कैसेट लगाते हैं तो काउंटर रीसेट हो जाता है। और नीचे देखिए ऑटो बियास CCRS एक्स फेड जैसे ऐसे फंक्शन जो कि मुझे नहीं पता, कमेंट में आप बता सकते हैं। NDR हाई, और जेंटलमैन यहाँ से रिवर्स फॉरवर्ड, ये भी रिवर्स फॉरवर्ड, ये लेफ्ट साइड का सेक्शन का है, ये राइट साइड के सेक्शन है, यहाँ से प्ले होता है, राइट साइड प्ले करिए चाहे लेफ्ट साइड, यहाँ से स्टॉप, और जेंटलमैन यहाँ पे प्ले और स्टॉप, और यहाँ पे रिकॉर्डिंग लेवल आपने कैसा रखना है, रिकॉर्डिंग लेवल अप और डाउन कर सकते हैं, साउंड जो है कितना रिकॉर्डिंग का लेवल रखना है, ये बहुत ही अच्छी चीज़ दी गई है। तो जेंटलमैन ये है जी कैसेट का वेरवा। ऊपर आते हैं तो ये है जी स्टीरियोग्राफिक इक्वलाइजर आपको मिलता है, यहाँ पे बहुत ही अच्छी डिस्प्ले मिलती है, मैं आपको चला के दिखाता हूँ, तो चलिए ज़रा देखिएगा। तो यहाँ पे जब मैंने CD प्ले की है तो इस तरह से बहुत ही कूल जो है डिस्प्ले आती है, और ये मैनुअली है, ये आप मैनुअली इसमें सारा का सारा, जैसे ये मैंने ट्रबल ऊपर कर दी, ये बेस ऊपर कर दिया, ये बेस यहाँ से, और ये वोकल्स के नोट्स हैं ये मैंने नीचे कर दिए, ठीक है जी। इस तरह से आप ये मैनुअली यहाँ से कर सकते हो, यहाँ पे देखिए मैनुअली, और रेफरेंस आ जाता है, रेफरेंस में यहाँ पे एक नंबर, दो नंबर, तीन नंबर, और यहाँ पे लिखा भी हुआ है चार नंबर, पांच नंबर, इस तरह से अलग अलग, यानी इसमें भी
दिए गए हैं अलग अलग आप, और ये जो नीचे वाले बटन है मेरे ख्याल से इसमें रॉक पॉप जैज तो नहीं लिखा हुआ, लेकिन जो साउंड है वो डिजिटल इक्वलाइजेशन आप इस बटनों से कर सकते हैं। पीक होल्ड और रिवर्स जैसे ऐसे फंक्शन मिलते हैं। रिवर्स में ये देखिए ऊपर नीचे हो रहा है, ठीक है जी। तो इस तरह के फीचर जो कि काफ़ी इसमें दिए गए हैं। एक बार डेक इधर वाला भी चेक कर लो, काफ़ी सुंदर और साफ पीस है। पिंच रोलर और हेड की कंडीशन बहुत ही अच्छी है। और जेंटलमैन ये कैनवुड का स्टीरियोग्राफिक इक्वलाइजर का फंक्शन है। और जेंटलमैन यहाँ पे देखिए आपको हेडफोन्स आप यहाँ पे लगा सकते हैं रात को, अगर रात्रि को सुनना है। यहाँ पे माइक मिक्सिंग सोर्स और माइक का यहाँ पे ऐसे दिया गया है, आप सिंगिंग कर सकते हैं, कराओके वगैरह आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। जेंटलमैन ये आपका सोर्स सिलेक्टर है, यहाँ पे एवी ऑक्स है। एवी ऑक्स यानी आप यहाँ पे फ्रंट पे एवी ऑक्स लगा सकते हैं, ठीक है जी। ये वीडियो का है, ये लेफ्ट राइट ऑडियो का है। और जेंटलमैन वीडियो डैट यानी ये भी ऑक्स इनपुट का फंक्शन है जो कि बैक साइड पे मिलता है। कैसेट ए एक इसका बड़ा ही खूबसूरत फंक्शन है, जब आप इसको करते हैं कैसेट लगाई है कैसेट ए पे करेंगे तो अपने आप जो है ये प्ले हो जाएगा, अपने आप ऑटोमेटिकली प्ले हो जाएगा, इतना ज़बरदस्त फंक्शन है। इसी तरह से कैसेट बी पे करेंगे तो कैसेट बी अगर इसके अंदर होगी तो अपने आप प्ले हो जाएगी। और जेंटलमैन यहाँ पे आपको इसमें टोनर मिलता है, टोनर में आपको एफएम और भी फंक्शन मिलते हैं, एफएम या एएम या मिड वेव मिलता है, आगे जाके चेक करेंगे। इसमें फिर टर्न टेबल लगता है, रिकॉर्ड प्लेयर, तो आप रिकॉर्ड प्लेयर लगा सकते हैं। और ये सीडी का है, तो जब आपने सीडी चलानी है तो सीडी अभी चल रही है, देखिए। ऑलराइट, सो जेंटलमैन ऊपर की तरफ आते हैं तो ये एम्पलीफायर सेक्शन है, स्टीरियो इंटीग्रेटेड एम्पलीफायर सेक्शन, ठीक है जी। और जेंटलमैन यहाँ पे बहुत सारे फीचर आपको मिलते हैं, यहाँ से ऑन ऑफ है, तो देखिए मैं आपको ऑफ करके दिखाता हूँ, ये पूरा सेट ऑफ हो गया है, ठीक है जी। और फिर इसको ऑन करते हैं तो ये पूरी लाइटें आ जाती हैं, इस तरह से ऑन होता है। जेंटलमैन इसमें सुपर बूफर लगता है, एक्टिव सब बूफर जिसको बोलते हैं, अगर आपने वो लगाया हो तो इसको ऑन कर दें, तो यहाँ पे सुपर बूफर की लाइट ऑन होती है, जल जाती है। सेंटर स्पीकर, अगर आपने इसमें सेंटर स्पीकर लगाया है तो सेंटर स्पीकर, और सराउंड लगाए हैं तो सराउंड ऑन कर दें। तो देखिए इसमें दो सराउंड स्पीकर, एक सेंटर और एक सब बूफर लग जाता है, ठीक है जी। तो कितने हो गए जी, दो तीन चार, चार और दो फ्रंट के स्पीकर, छः स्पीकर टोटल लगते हैं। और सभी को बंद कर देते हैं क्योंकि अभी हमारे पास फ्रंट स्पीकर लगे हुए हैं, यहाँ से बैलेंस कर सकते हैं आप राइट लेफ्ट का। और जेंटलमैन देखिए यहाँ पे इक्वलाइजेशन है, ये बहुत ही देखिए कलरफुल है, फ्रोजी कलर इसको बोलते हैं, फ्रोजी कलर, वाह। और ये सीडी डायरेक्ट, यानी अगर आपने देखिए ये जो सीडी चल रही है इसको इसका ओरिजिनल साउंड सुनना है बिना किसी डिजिटल इक्वलाइजर के, तो आप सीधा सीडी सीडी वी डायरेक्ट का बटन दबाइए, तो आपको जो सीडी है डिस्क है, डिस्क में जो ओरिजिनल साउंड भरा हुआ है वो सुनाई देगा। और जेंटलमैन यहाँ पे देखिए तो रियर वॉल्यूम और मास्टर वॉल्यूम, तो यहाँ आप रिमोट से भी कर सकते हैं, ये रियर वॉल्यूम है, तो देखिए देखिए वाव ये कितना सुंदर लगता है। रियर वॉल्यूम देखिए, वॉल्यूम ये एक मैकेनिज्म की तरह काम करता है। और ये है मास्टर वॉल्यूम, तो मास्टर वॉल्यूम किस तरह काम करता है, ठीक है जी, इस तरह से मास्टर वॉल्यूम काम करता है। और आपको यहाँ पे म्यूटिंग का भी बटन मिलता है, आगे जाके आपको यहाँ पे ये रेडियो सारा मिलता है। तो रेडियो आपको एफएम स्टीरियो सिंथेसाइजर टोनर एफएम मिलता है और काफ़ी शानदार है। संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, यानी आप इस तरह से इसकी सेविंग कर सकते हैं, और काफ़ी सारे फंक्शन इसमें दिए गए हैं, ठीक है जी। और यहाँ से आपका ट्यूनिंग करेक्टर, अप एंड डाउन बैंड आपको एफएम और एएम मिलता है, एफएम एएम आपको इसमें मिल जाता है, डायरेक्ट पी स्कैन ऑटो डिजिट करेक्टर। और यहाँ पे आपको सीडी मिलती है,
सीडी ऑडियो सीडी है, कॉम्पैक्ट डिस्क डिजिटल ऑडियो मिलती है, ठीक है जी। 16 बिट लाइनियर ड्यूल डीए कन्वर्टर, बहुत ही शानदार। और ये सेपरेट है, आपको मैं बता दूं कि ये पूरा पार्ट जो है ये कंबाइंड है, ठीक है जी। और इसका जो सीडी प्लेयर है ये सेपरेट है। और जेंटलमैन, सीडी प्लेयर का भी अपना मॉडल नंबर है DP545, ठीक है जी। सिंगल सीडी है और 16 बिट लाइनियर ड्यूल डीए कन्वर्टर, ठीक है। मुझे लगता है 16 गाने ये प्ले कर सकता है, ऑडियो सीडी प्लेयर है। जेंटलमैन, ये हैं जी इसके स्पीकर। ये स्पीकर थ्री वे स्पीकर हैं, इसमें ट्वीटर, मिड और यहाँ पे बूफर लगा हुआ है, ठीक है जी। और जेंटलमैन, इसके जो ऑनर थे उन्होंने ये जालियों को पक्का ही इसके साथ जोड़ दिया है। उन्होंने बताया था कि बच्चे इसको खींचते रहते थे, तो हमने फेवी क्विक लगा के पूरा ही जालियों को जोड़ दिया है ताकि बच्चे, तो हमने कोशिश नहीं की भी यार ये निकाल दें, क्योंकि फिनिशिंग बहुत अच्छी है। स्पीकर्स इसमें 8 इंच का ड्राइवर लगा हुआ है कैनवुड का, तो काफ़ी शानदार है, साउंड क्वालिटी बहुत ही मस्त है जेंटलमैन। और चलिए आपको इसकी अब 1x1 जो है परफॉर्मेंस सुनाते हैं। सो जेंटलमैन, शुरुआत करते हैं सीडी से, ऑडियो सीडी से। इसमें ऑडियो सीडी रहना है तेरे दिल में, इसको हम प्ले की कमांड दे देते हैं। और जेंटलमैन, इसके नोट्स बहुत ही हाई पीक पे निकलते हैं, बहुत मुझे कहना तुझसे है कहना। क्या बात है, देखिए इक्वलाइजर सुंदर मुझे। नेक्स्ट करते हैं, कॉपीराइट ना आए इसलिए, आई लव इट, बहुत ही पीक लेवल पे नोट्स। नेक्स्ट करते हैं जी, बहुत ही लाजवाब और क्लियर नोट्स हैं। जैसा मर्जी साउंड सेट कर सकते हैं। मेरा फेवरेट सॉन्ग है जरा जरा, प्यार हुआ, क्या बात है, लाजवाब। सच कह रहा है दीवाना, दिल दिल ना किसी से लगा। सो जेंटलमैन, स्टॉप करते हैं और कैसेट की सीडी की परफॉर्मेंस के बाद आपको कैसेट की परफॉर्मेंस सुनाते हैं। सो जेंटलमैन, ये रही कैसेट और लाओ जी, और यहाँ से इजी प्ले है। लेफ्ट साइड बहुत ही शानदार कैसेट की परफॉर्मेंस है। यहाँ से फॉरवर्ड करेंगे और यहाँ से रिवर्स करेंगे, बिल्कुल क्लियर नोट्स हैं। और जेंटलमैन, चलिए बी साइड भी आपको सुनाई जाए। सो जेंटलमैन, कैसेट बी चेक करेंगे, प्ले करते हैं। राइट साइड बहुत ही बढ़िया, दोनों डेक लाजवाब परफॉर्मेंस है। और जेंटलमैन, वन टच सेट है पूरा, फॉरवर्ड रिवर्स, देखिए काउंटर क्या शानदार वर्किंग है। सो जेंटलमैन, अभी जो मैं आपको चीज़ दिखाने वाला हूँ, मैंने इसमें जो है अपनी टैब सेट कर ली है और देखिए ऑक्स सेट कर ली है और मैंने एवी ऑन कर लिया है। जेंटलमैन, इसकी साउंड की क्वालिटी इतनी ज़बरदस्त है, इतनी ज़्यादा बेस देता है, इतनी ट्रबल के नोट्स हैं कि आप जिंदा दिल हो उठेंगे। जेंटलमैन, यहाँ से मैंने कैसेट ली और रिकॉर्ड करेंगे और आपको मैं इसकी परफॉर्मेंस भी सुनाऊंगा। और कितना आपने रखना है, हम 10 पे रखते हैं, ठीक है जी, और 10 पे रख सकते हैं आप, काफ़ी हैवी नोट्स भी ले सकते हैं, तो मैं थोड़ा सा मिड में रखता हूँ, ठीक है, 12 पे रखते हैं। सो जेंटलमैन, चलिए जो म्यूज़िक चल रहा है वो मैं आपको सुनाता हूँ। और यहाँ सबसे पहले रिकॉर्डिंग बटन दबाते हैं,
तो रिकॉर्डिंग शुरू हो गई है और साउंड करते हैं। जेंटलमैन, अगर आपको कोई भी बहम है तो हेडफोन लगा लीजिए और आपको पता लग जाएगा कि म्यूज़िक कितना शार्प, ज़बरदस्त बेस क्वालिटी वाला आ रहा है। बहुत ही हैवी ड्यूटी, भयंकर, बहुत ही भयंकर साउंड है। वाकई ज़बरदस्त सेट है जेंटलमैन, जो रिकॉर्ड हुआ है। चलिए मैं आपको सुनाता हूँ। स्टॉप किया, रिवर्स, और जेंटलमैन जो हमने रिकॉर्ड किया है प्ले करते हैं और सुनिए ज़रा। बहुत बढ़िया रिकॉर्डिंग, मस्त, लाजवाब। और यार क्या बात है, रिकॉर्डिंग हुई है कितनी सुंदर। कैसेट चल रही है, कैसेट चल रही है जेंटलमैन, आई लव इट। ये सेट किलर सेट है पूरा, मतलब के ब्रह्मांड इसमें समा गया, इतना जबरदस्त सेट है जेंटलमैन। वन टच सेट है, बहुत ही शानदार सेट है, मज़ा आ गया इसको सुन के बाबियो। दिवाली में इतना अच्छा म्यूज़िक सुनना, साला दिल नहीं करता मेरा बेचने को इस सेट को, इतना ज़बरदस्त सेट आया है। और जेंटलमैन बाग कमाल इसकी परफॉर्मेंस। तो चलिए आपको मैं इसकी आउटलुक दिखाता हूँ, और मैं नेक्स्ट अगली वीडियो एक मैं मैशअप की पूरी बनाऊँगा इसके ऊपर। तो मैं कैमरे से वीडियो रिकॉर्ड करूँगा, अभी फ़ोन से रिकॉर्ड हुई है तो मेरा कैमरा स्टीरियो रिकॉर्डिंग करता है। और जेंटलमैन चलिए अभी मैं आउटलुक का आपको दिखाता हूँ। सो जेंटलमैन आउटलुक देखिए ज़रा, पहले तो स्पीकर देखिए, बहुत ही शानदार कंडीशन में है, बहुत ही हेल्थी वेल्थी कंडीशन है। देखिए एज टू एज, देखिए मैं आपको मैं सीधा बैक साइड ही दिखाता हूँ, लेकिन मैं आपको इसकी जो है प्रॉपर, देखिए क्या सुंदर पीस है यार, बिल्कुल एज टू एज नीट एंड क्लीन पीस है। और जेंटलमैन देखिए स्पीकर्स बिल्कुल, ये लेफ्ट वाला है, और चलिए राइट वाला दिखाता हूँ। सो जेंटलमैन राइट वाला भी बहुत ही नीट एंड क्लीन है यार, ये जालियाँ उतरती होती तो मैं आपको ज़रूर दिखाता, लेकिन ये पूरी फिक्स हैं फेविक्विक से, तो मैं तोड़ना नहीं चाहता इनको। और जेंटलमैन बहुत ही शानदार सुंदर स्पीकर हैं, देखिए बिल्कुल नीट एंड क्लीन, ठीक है जी। सो जेंटलमैन आपने रैक फ्रंट से देख लिया है, साइड देखिए, और जेंटलमैन ज़रा देखिए इसकी बैक साइड, और बैक साइड पे सारे फंक्शन आपको मैं बताऊंगा। अल्टीमेट बेस है जी इसकी, और देखिए ज़रा ये, सबसे पहले मैं सीडी का निकाल दूं और ये निकाल दूं, शुरू से देखिए जेंटलमैन, ये इसका सीडी प्लेयर है। आउटपुट यहाँ से हमने इसको आउटपुट सीडी में दी हुई है। दूसरी चीज़ जेंटलमैन, एएम और एफएम एंटीना यहाँ पे लगता है, यहाँ पे सिस्टम कंट्रोल, ठीक है जी, यहाँ से पिने इसमें जाती हैं। रिकॉर्डिंग यहाँ से आप रिकॉर्ड कर सकते हैं एक्स्ट्रा कुछ भी लगा के, और प्लेबैक, एवी ऑक्स यहाँ पे इनपुट है, और वीडियो मॉनिटर यहाँ पे आउट है, आप टीवी में लगा सकते हैं सिंगल सिंगल। और जेंटलमैन यहाँ पे स्विच टोटल, यानी
आप इसमें एक्सटर्नल कुछ भी लगा सकते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने सीडी लगाई थी, ये पावर कॉर्ड का है, पावर कॉर्ड साथ में मिलती है, वर्ल्ड में कहीं भी चल सकता है जेंटलमैन। ये देखिए पूरी आपको सिलेक्टिंग, यार मैंने वैसे सिंगल ही देखा है, इसमें डबल डबल मिली हुई है, और वोल्टेज यहाँ पे शायद लाइटें ऑन होती होंगी। वाह जेंटलमैन देखिए कितना सुंदर सेट है, कैनवुड स्टीरियो कैसेट रिसीवर, कैनवुड कॉरपोरेशन, मेड इन जापान। और जेंटलमैन यहाँ पे देखिए कितने स्पीकर इसमें लगते हैं, दो फ्रंट के। और जेंटलमैन ये वाला जो है आई थिंक सराउंड के हैं, ये सेंटर है, और ये सुपर बूफर प्री आउट लगता है। माय गॉड जेंटलमैन यहाँ पे देखिए अंडर लाइसेंस ऑफ स्टार एस ए ब्रुक्सेल्स बेल्जियम। ओह माय गॉड भाई साहब, बेल्जियम का कुछ इसमें दिया हुआ है, मुझे नहीं पता। डॉल्बी नॉइस रिडक्शन मैन्युफैक्चरिंग अंडर लाइसेंस फ्रॉम डॉल्बी लेबोरेटरी लाइसेंस कॉरपोरेशन। डॉल्बी का सारा आपको इसमें आनंद मिलेगा। यहाँ पे रिकॉर्डिंग प्ले ऑक्स इन। तो जेंटलमैन यहाँ पे भी इनपुट, यहाँ पे भी इनपुट, यहाँ पे भी इनपुट, सीडी वाली इनपुट, और यहाँ पे फोनो इनपुट, और ग्राउंडिंग का आपको ऑप्शन मिलता है। जेंटलमैन फिर से देखिए क्या शानदार सुंदर एम्पलीफायर है, ठीक है जी। सो भाई लोग मैं सेट नहीं करूँगा, आपको सीधा इसका प्राइस जो है मैं टाइटल में मेंशन कर दूँगा, व्हाट्सअप करके आप बाय कर सकते हैं। ऑल इंडिया में कोरियर है, कहीं भी मंगवा सकते हैं। आज दिवाली पावन है, पावन अवसर पे ऐसा सेट, मेरी खुश नसीबी है कि मैं ऐसे सेट का जो है रिव्यू कर पाया हूँ, आपको इसके बारे में बता पाया हूँ। जेंटलमैन इसकी वोल्टेज का मुझे नहीं पता कि कितनी आउटपुट ये निकालता है, गूगल से आप देख सकते हैं। और जेंटलमैन सेट बहुत ही ब्रांड न्यू शानदार कंडीशन में है, 40 साल पुराना सेट, बाग कमाल लाजवाब ज़बरदस्त सेट है। और जेंटलमैन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप हमेशा हंसते मुस्कुराते खुश रहें, गुनगुनाते तंदुरुस्त रहें, यही दुआ है मेरी। थैंक यू जी, गॉड ब्लेस यू।